नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं वीकेंड चर्चा। यूपी का चुनाव काफी खास है। इस बार चुनाव में सपा भाजपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकास के बलबूते भाजपा जीत की उम्मीद कर रही है, तो वहीं पश्चिम की तरफ सभी पार्टियों का जोर है। पश्चिम में खास क्या है? खास है किसान, जाट वोट बैंक। किसानों का मुद्दा इस राजनीति में इसलिए भी अहम है क्योंकि तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने राजनीति को धार दी। वहीं से शुरू हुई किसानों की राजनीति, जहां बीजेपी 250 जाट नेताओं के साथ बैठक की, तो वहीं किसानों को खुश करने के लिए तीन नए कृषि कानून भी वापस लिए। अब डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए बीजेपी के दिग्गज पश्चिमी दुर्ग पर उतरे हैं। वहीं सपा भी किसानों को साधने में और सत्ता को हथियाने में कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। सपा आरएलडी का गठबंधन काफी नहीं रहा सपा के लिए। अब अखिलेश हर दौरे पर जयंत के साथ प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार पे, मौजूदा भाजपा सरकार पे निशाना साधते रहते हैं। साथ ही किसानों को साथ लाने की पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं, संयुक्त प्रेस वार्ता कर रहे हैं और निशाना साधते रहते हैं। तो वहीं अगर बात करी जाए आरोप और प्रत्यारोप की, तो उसमें भी बोल बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में अन्न संकल्प लिया। ये अन्न संकल्प उन्हें किसान नेता और लखीमपुर खीरी की हिंसा में घायल हुए तेजिंदर वर्क ने दिलाया। यानी किसानों को साथ लाने के लिए बड़े बड़े किसान चेहरे भी साथ ला रहे हैं, वो चाहे जयंत चौधरी हो या फिर तेजिंदर वर्क। 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग है। इस चरण में बीजेपी के चुनाव प्रचार की कमान संभाले गृह मंत्री अमित शाह पिछले कुछ दिनों से लगातार जयंत को अपने साथ आने का ऑफर भी दे रहे हैं। करीब करीब हर सभा में वो उनका नाम भी एक बार तो ले ही लेते हैं। वहीं बात करी जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के नेतृत्व में प्रदेश के सभी धान खरीद केंद्रों में राज्य सरकार की किसानों से वादा खिलाफी, धान खरीद में अनियमितता, खरीदी तिथि 15 फरवरी तक बढ़ाने, रबी फसल के लिए खाद की उपलब्धता, बेमौसम बारिश से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने, लंबित स्थायी विद्युत कनेक्शन को प्रदान करने, बोनस राशि शीघ्र भुगतान करने जैसी विभिन्न मुद्दों पर धरना प्रदर्शन भी किया गया। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें किसान परेशान भी है। किसानों की परेशानी दूर करने के लिए कई दावे और वादे भी किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो इस बार का चुनाव है वो किसानों के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। सभी दल किसानों को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। जब तीन नए कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन चल रहा था, तब भी सबका समर्थन किसानों को मिला, वो चाहे सपा हो या फिर अन्य दल हो। सपा ने जोर शोर से किसानों का समर्थन किया, भाजपा का विरोध किया। वहीं भाजपा को भी जब समझ में आया कि चुनावी समय नजदीक है, तो तीन नए कृषि कानून वापस ले लिए गए और प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया कि हम किसानों को समझाने में असमर्थ रहे कि उनका जो लाया गया तीन नए कृषि कानून थे वो किसानों के लिए कितने लाभकारी थे। तो ऐसी कई चीजें हैं जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है इस बार का, इसमें किसानों की अहम भूमिका है। पश्चिम में जहां भाजपा और सपा जोर भर रही है, चुनाव यूपी का, खासतौर से यूपी का जो चुनाव है वो किसानों के इर्द गिर्द घूम रहा है। बात करें किसान वोट बैंक की, जाट वोट बैंक की, तो इसका काफी महत्व है। इसी को देखते हुए अमित शाह 250 किसानों के साथ, जाट किसान नेताओं के साथ बात करते हुए भी नजर आए, बैठक की। और अब राजनीति चरम पे है। सपा की तरफ से कई आरोप लगाए जा रहे हैं किसानों को अपने साथ लेके चलने की, किसानों के लिए हित में बात करने की भी कई चीजें सामने आ रही है। वही किसानों के भी कई मुद्दे हैं, जैसे गन्ने को लेकर किसानों का पश्चिम में भुगतान नहीं हुआ है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि इसको हमेशा ही उठाते रहते हैं किसान। गन्ना किसान काफी परेशान नजर आते हैं। अगर बात की जाए एमएसपी की, जो कि तीन नए कृषि कानून के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा था, और अभी तक जो बजट भी सामने आया है इसमें भी कुछ ऐसी चीजें निकल के सामने नहीं आई जो कि किसानों के लिए हित में साबित हुई हो। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिनकी चर्चा इस वक्त तेज है, तेजी से चर्चा देखने को मिल रही है। 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात करी जा रही है सपा की तरफ से, जो फ्री कार्ड खेला जा रहा है। और जिस तरह से
सप्लाई के लिए, सिंचाई के लिए जो समस्या आती है किसानों को, उसका समाधान की बात भी कही जा रही है। विकास कार्य जो रुके हुए हैं वो भी ठीक करने की बात कही जा रही है, उनको भी प्रगति देने की बात कही जा रही है सपा की तरफ से। तो इस वक्त जो चुनाव देखने को मिल रहा है भाजपा बनाम सपा में देखने को मिल रहा है, और जो मुख्य मुद्दा बना हुआ है वो है किसानों का। तो किसानों के मुद्दे पे इस बार का चुनाव काफी अहम है और इस बार की चर्चा भी इसीलिए अहम भी हो जाती है। तो आज की चर्चा इसी पे है कि एक तरफ यूपी का चुनाव है तो दूसरी तरफ किसान है, भाजपा है एक तरफ तो दूसरी तरफ सपा है। कई ऐसे मुद्दे थे, जब तीन नए कृषि कानून वापस लिए गए तो प्रदर्शन खत्म करने से पहले भी किसानों ने कई बातें कही थी, कई मुद्दे उठाए थे, उनकी एमएसपी की जो मांग थी। लेकिन सबसे बड़ी मांग थी कि तीन नए कृषि कानून वापस हो। जब वो तीन नए कृषि कानून वापस हुए तो प्रदर्शन भी खत्म हुआ। लेकिन इसके बाद भी सरकार से अपडेट की उम्मीद थी कि क्या कुछ अपडेट देगी सरकार, किसानों के हित में क्या काम करेगी, एमएसपी को लेके क्या कदम उठाएगी सरकार। तो कई आशाएं लगाई है किसानों ने, और आशाएं जो लगी है किसानों की उसी को धार देते हुए भी बीजेपी इस बार का चुनाव लड़ने के मूड में है। तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो किसान प्रदर्शन हुआ उससे जो डैमेज हुआ उसकी कंट्रोलिंग के लिए ही बीजेपी के कई बड़े कद्दावर नेता, कई बड़े चेहरे इस बार पश्चिम में उतरे हैं। तो पश्चिम में ही सबसे ज्यादा फोकस रह रहा है सभी पार्टियों का, खासतौर से सपा और भाजपा का। हम देख रहे हैं रोज लगातार ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, रोड शो हो रहे हैं, और ये रैलियां, रोड शो और साथ ही जनसंवाद बता रहा है कि कितना अहम है किसान इस बार के चुनाव में। डोर टू डोर जो कैंपेनिंग करी जा रही है बड़े बड़े चेहरों द्वारा, वो चाहे जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, स्मृति ईरानी हो, या फिर खुद ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए पीएम मोदी हो, ये बता रहे हैं कि पश्चिम की राजनीति इस बार काफी अहम है क्योंकि वहां पे सबसे बड़ी संख्या में वोट बैंक देखे जाते हैं। जो पश्चिम का वोट बैंक है वो इस बार की राजनीति में अहम भूमिका निभा रहा है। और जिस तरह से तीन नए कृषि कानून के समय जो प्रदर्शन चल रहा था, तब से जो समर्थन दिया जा रहा है सपा द्वारा, अखिलेश द्वारा जो किसानों को लेकर बातें कही जा रही हैं, वो सब ये बताती हैं कि इस बार का चुनाव काफी अहम है। और जो किसानों का वोट है वो इतना अहम है, इतना अहम है कि पीएम को खुद तीन नए कृषि कानून जो लाए गए थे उन्हें वापस लेना पड़ा, क्योंकि चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल को देखते हुए ये निर्णय लेना काफी अहम भी था। तो चुनावी मैनिफेस्टो रिलीज हो गया है सभी पार्टियों का, बीजेपी ने चुनावी मैनिफेस्टो जारी नहीं किया है अभी तक। इसके पीछे क्या वजह है ये भी आज हम चर्चा में जानेंगे। क्या किसानों के लिए कुछ लुभावने वादे कर सकती है बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में, क्योंकि जो मैनिफेस्टो रहेगा ये भी काफी प्रभाव डालेगा इस बार के चुनाव पे। बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो नहीं लाया गया है, बाकी पार्टियों की तरफ से, बाकी दलों की तरफ से मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है। किसानों के लिए कई लुभावने वादे हैं, वो चाहे सपा का ही मैनिफेस्टो क्यों ना देख लिया जाए। और लगातार अलग अलग जिलों में चुनावी रैलियां और दौरे करते हुए सभी दल नजर आ रहे हैं। अखिलेश भी आगरा गए थे, वहां से उन्होंने विकास के मुद्दों को उठाया। उन्होंने कहा कि जो साइकिल वे था या फिर बाकी के जो यमुना को लेकर कार्य थे, जितने भी विकास के चीजें थी उनको लेकर अभी तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया जो करना चाहती थी सरकार। विकास के मुद्दे उठा रही थी लगातार सरकार और विकास के लिए अग्रसर थी, काम कर रही थी सपा सरकार, लेकिन अभी तक वो काम हुए नहीं। एमएसपी की गारंटी, एमएसपी की जो मांग कर रहे थे किसान, उस पर भी अभी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। और अगर बात करें बोल बिगड़ने की, तो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में एक बयान है, गर्मी निकालने वाला बयान। जब से ये बयान सामने आया है तब से राजनीति गर्मा गई है। और इसी पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कई मेहमान मौजूद हैं, और हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता जुड़ चुके हैं अश्विनी शाही जी, मीसम जैदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर भूपेंद्र जी भी जुड़ चुके हैं, भारतीय किसान यूनियन से भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ प्रवक्ता, तो सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिनाम जी जुड़े भारतीय किसान यूनियन से, प्रोफेसर भूपेंद्र तिवारी भी जो हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वीकेंड चर्चा में। तो आज का मुद्दा है यूपी का चुनाव और किसान, किसान की जो भूमिका है उसको देखते हुए ही हम आज की चर्चा करेंगे।
तो सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा राजनीतिक विश्लेषक से, जिस तरह का इस बार का चुनाव है और इस बार के चुनाव में जो किसान की भूमिका है, क्या कहेंगे उस पे? भूपेंद्र जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जिस तरह से इस बार का यूपी का चुनाव पश्चिमी के दुर्ग पर देखने को मिल रहा है, पश्चिम में जिस तरह से सभी राजनेता एक्टिव नजर आ रहे हैं और किसानों को मनाने की डैमेज कंट्रोल की कोशिश चल रही है बीजेपी की तरफ से, किस तरह से देखते हैं किसान की भूमिका को? देखिए, किसानों की भूमिका वास्तव में ये जो हमारा यूपी का चुनाव है, ये किसानों को ही स्थान में किसानों का ही देश ज्यादा इसमें नजर आएगा। कारण ये है कि उत्तर प्रदेश की कौन मोदी प्रधान कौन बहुत ज्यादा है और ऐसा क्षेत्र है माइग्रेशन हो रहा था जी, वो एग्रीकल्चर सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर था जिसमें लोग अश्विनी शाही जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से आपकी तरफ से यानी कि बीजेपी की तरफ से ताबड़तोड़ डोर टू डोर कैंपेन करे जा रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गजों को उतारा गया है पश्चिम की जमीन पर, पश्चिमी दुर्ग पर इन बड़े नेताओं को उतारने का आखिर मकसद क्या है? क्या विकास के जो काम आपने किए, जो भी बीजेपी बताती है कि आपके द्वारा विकास के काम किए हैं, क्या उसमें भरोसा नहीं है? बड़े बड़े चेहरों को उतार के क्या डैमेज कंट्रोल चल रहा है, आप क्या कहेंगे? शिखा जी, कोई डैमेज कंट्रोल नहीं है और हमारे तीन बड़े नेताओं को तीन क्षेत्र दिया गया है। माननीय राजनाथ जी को मध्य दिया गया है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूर्वांचल का एरिया दिया गया है और माननीय गृह मंत्री जी को पश्चिम दिया गया है। तो हमारे यहाँ काम का बंटवारा हुआ है और सभी बड़े नेता हमारे अपने अपने क्षेत्रों में जो जो उनको कार्य दिया गया है अपने क्षेत्रों में वो कार्य कर रहे हैं। इसमें कोई डैमेज कंट्रोल की बात नहीं, हम अपने वोटर के पास जा रहे हैं, हमने पश्चिम में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। आज हमारे जो वही किसान भाई जो धरने पर बैठे थे अपनी मांगों को लेकर, वो जब घर को लौटे हैं वहां से, तो उनके घर में माताओं बहनों ने उनको समझाया है कि देखो कितना कानून व्यवस्था बेहतर हो गई है कि हम लोग अब शाम को भी और रातों में भी अपने घर से निकलते हैं। तो पहले की ये स्थिति थी जो 2017 से 12 से 17 के बीच में जो कानून व्यवस्था एकदम लचर हो चुकी थी, जो लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, आज वो सब लोग घर से बाहर निकलकर बाजार में आ गए हैं। तो पहले का मतलब यह है कि माताएं बहनें सुरक्षित हो गई। उसके बाद जो रोजगार की बात है, रोजगार हम लोगों ने भरपूर देने का काम किया है सपा सरकार से और हमारी सरकार की तुलना कर लीजिए। अब एक दो चार उदाहरण आपको शिखा जी बता देता हूँ जो हम लोगों ने काम किए। पहले 2017 तक का बजट 2 लाख करोड़ का ये लोग पेश करते थे और हम लोग 5.5 लाख करोड़ का बजट पेश करते हैं। हम प्रदेश जो है 7वें 8वें स्थान पर बीमारू राज्य कहा जाता था और इकोनॉमी दूसरे स्थान पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आकर खड़ी हो गई। हम लोगों ने सारा जो भी आज राशन की बात है, देखिए घर घर पूरे देश में तो बट ही रहा है, पूरे प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने का क्या फायदा है कि एक एक यूनिट पर 10-10 किलो राशन जो गरीब भाइयों को हमारे मिल रहा है वो कितने खुशहाल हैं, ये पूछने वाली बात है। हम लोगों ने जो मकान दिए हैं, जो घर बेघर थे लोग, अश्विनी जी काम तो बहुत किया है बीजेपी ने, लेकिन आज हम चर्चा करें किसानों की, किसानों के बारे में कितना सोचा है। MSP की मांग कर रहे थे किसान, तो इस बार के बजट में MSP कहाँ रही और कितना प्रतिशत? शिखा जी, देखिए MSP पर माननीय मंत्री जी ने घोषणा की अभी सदन में, इसी सत्र में घोषणा की कि चुनाव के बाद MSP पर कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी MSP पर अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद उसको लागू करना है नहीं करना है वो सरकार उस समय सोचेगी। हमने सरजू नहर परियोजना जो 71 साल से लटकी हुई थी किसानों के लिए ही किया है। गोरखपुर का खाद कारखाना जो ये लोग नहीं शुरू कर पाए, हम लोगों ने शुरू किया, उस खाद कारखाने से किसानों को ही लाभ होगा। ये जो हमारे काम है, 18,000 ग्राम सचिवालय जो हम लोगों ने बनवाए हैं पूरे प्रदेश में, इन वहां पर किसान भाइयों का ही काम होता है। उन ग्राम सचिवालयों से किसान भाइयों की चीजों का निस्तारण होता है। उन ग्राम सचिवालयों पर एक महिला अफसर पुलिस की बैठती है,
जो शक्ति मिशन के अनुरूप काम करती है, और अब हमारे जो वाद होते हैं जो थानों तक जाते थे, अब थाना ही उनके पास पहुंच गया है। तो हम लोगों ने किसानों को भी अपने उसमें रखा है जी, बिल्कुल किसानों के लिए काम किया है। तो हमारे पास भारतीय किसान यूनियन से भी हरिनाम जी जुड़े हुए हैं, तो उनसे जानते हैं। हरिनाम जी, जिस तरह से बीजेपी ने बताया कि काफी काम किए गए हैं, इस बार का जो बजट आया उसमें क्या कहेंगे आप? बैठते ये काम ही किए थे तभी तो जाके वहां एमएसपी की मांग कर रहे थे जी। देखो, भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है आरएसएस का, कि इस देश को गरीबी की राह पे ले जाना है। और जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता जी ने कहा है कि हम 10-10 किलो राशन दे रहे हैं, अरे क्या भिखारी है, गांव का मजदूर, आप उनको रोजगार दो, उनको काम दो, राशन फ्री क्यों दे रहे हो? जो मेहनत नहीं करेगा, जो काम नहीं करेगा, उसको कामचोर बनाने का काम आप कर रहे हो। रोजगार की क्यों नहीं बात कर रहे हो, विकास की क्यों नहीं बात कर रहे हो? किसान को एमएसपी मिली, आज भी 1200-1300 के ऊपर धान नहीं बिकता है। पूर्वांचल से लेकर और पश्चिम तक चले जाओ, एमएसपी हरियाणा और पंजाब में मिलती है। उत्तर प्रदेश में आज भी किसानों को 1200 के ऊपर नहीं मिल रहा है जी। हमारे बीजेपी के प्रवक्ता की जानकारी के लिए मैं बता दूं, धान के लिए करीब 10 बैठकें हमने शासन में किया, लेकिन कुछ नहीं। खाद्य आयुक्त एकदम साइलेंट बैठे हैं, बड़े बड़े अधिकारी कुछ जवाब नहीं देते हैं। तो जब किसान को एमएसपी नहीं मिली, यूरिया की बोरी 267 रुपए की है, आज आप सर्वे करा लो जाके, गेहूं में टॉप ड्रेसिंग हो रही है, किसान को 300 के ऊपर यूरिया मिल रही है। डीएपी का कट्टा कहां चला गया, पोटास के रेट कहां चले गए? और मैं आपको जानकारी के लिए आज बता रहा हूं प्राइम टीवी पर, जैसे चुनाव हुए, भारत सरकार डीएपी और जो भी हमारी फर्टिलाइजर की जो भी फर्टिलाइजर है उनके सारे रेट भी बढ़ाएंगे। बढ़ा तो ये तभी देते, लेकिन आंदोलन और चुनाव के डर से नहीं बढ़ाए थे। तो भारतीय जनता पार्टी को विश्वास करके पूर्ण बहुमत की सत्ता में किसान और इस देश के लोगों ने इसलिए लाया था जी, कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए बहुत कुछ करने वाली है। रोजगार नहीं मिला, गांव इन्होंने कहा गड्ढा मुक्त, सड़कें देख लो गांव की क्या हालत है, गांव को चले जाओ उनके क्या हालात हैं। सुरक्षा की बात करते हैं, क्राइम का डाटा कहां पहुंच गया, ये दरअसल ले जाना चाहते थे इस चुनाव को हिंदू और मुसलमान पे। लेकिन गांव में किसान ने इनसे सवाल करना शुरू कर दिया, गांव गांव इनके सांसद विधायक जा रहे हैं, इनसे लोग सवाल कर रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं जी। बिल्कुल हरिनाम जी, आपकी समस्याएं तो बहुत सारी हैं। अब हम राजनीतिक विश्लेषक भूपेंद्र जी के पास चलते हैं। भूपेंद्र जी, आपने दोनों का पक्ष सुन लिया, बीजेपी का भी किसान का भी, क्या कहेंगे आप? बीजेपी कह रही है कि हमने बहुत काम किए हैं, किसान कह रहे हैं कि हम बहुत परेशान हैं और कुछ काम नहीं किया गया सरकार द्वारा, आप क्या कहेंगे? किसान की बातें भी सुनी, और जब 3 नए कृषि कानून चल रहे थे तो आप
मतलब आपकी सरकार द्वारा यानी कि सपा द्वारा सबसे ज्यादा समर्थन भी दिया गया। इस बार आपका गठबंधन भी ऐसी सरकार से है जो कि किसानों के हित में सबसे ज्यादा बात करती है, तो आप क्या कहेंगे इस बार जो किसानों की भूमिका है वो कितनी देखने को मिल रही है? जी धन्यवाद श्वेता जी, आप मेरी आवाज सुन रही है? जी शिखा। हेलो शिखा जी, मेरी आवाज आ रही है आपका? जी हेलो जी मीसम जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना मत रख सकते हैं। अच्छा शिखा जी, मैं तो पहले चीज तो मैं ये बधाई दूंगा, हमेशा प्राइम टीवी जो है वो इस तरह से आवाज उठाता रहा है किसानों की शुरुआत से ही, और बड़े अहम मुद्दे भी उठाता है, जैसा कि अभी अहम मुद्दा आपने उठाया था कि गर्मी वाला मुद्दा, किसानों वाला मुद्दा। किसानों वाला मुद्दा तो खैर मुद्दा है जो काफी टाइम से चल रहा है जी। और साथ में देखिए बड़ी अच्छी बात की जो हमारे किसानों, हर चीज को जो बातें किए, जो बातें की वो आपने कहा कि गड्ढा मुक्त सरकार वाली बात कही आपने, अपराध की बात कही आपने, किसानों के ऊपर बात करी, तो वो हर जगह पर सरकार विफल रही और वो देख भी रही। और बड़ी अच्छी एक बात कही कि देखिए हमारा देश जो है वो अखंड है और उसको कभी कोई बांट नहीं सकता, वो चाहे कोई भी हो और वो कोई भी पार्टी हो। मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करता, ना तो इस देश का हिंदू और ना इस देश का मुसलमान, सब आपस में भाई भाई बन के रहे हैं और रहे हैं और रहेंगे, और मरते दम तक जब तक ये जान में जान बाकी है तब तक हम एक साथ रहेंगे। और अब रही बात जो भारतीय जनता पार्टी का, अभी आप देख रहे हैं कि जो ये मैनिफेस्टो नहीं जारी कर पाए, अभी तक संकल्प पत्र नहीं जारी कर पाए, क्योंकि इनका संकल्प पत्र तो धार्मिक उन्मादों से और आप देख रहे हैं जिस तरह के भाषणों से भरा हुआ है, जिस तरह से देश की भावना ये फैला रहे हैं, तो अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि मैनिफेस्टो में क्या डालें, क्योंकि जो जो भी इन्होंने शिखा जी मैनिफेस्टो में डाला था वो उन सब जगहों पर इनकी सरकार फेल हो गई है। और रही बात तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि उनके भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, आप उनकी देखिए किस तरह की अहंकारी भाषा, किस तरह की अमर्यादित भाषा, किस तरह की आप भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप जैसे मालूम पड़ता है कि रोड पर चलता हुआ एक रोमियो हो और एक गुंडा हो, मवाली हो, जिसको प्रदेश की सत्ता का साधन सौंप दिया गया हो, किस तरह की बात करते हैं कि गर्मी निकल जाएगी और शिमला बन जाएगा और मई जून के अंदर जो देखा बिल्डोजर चल जाएगा और ठोक डाला जाएगा, और वहीं पर आप पलट करके मान्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की भाषा देखिए कि वो पलट कर कहते हैं कि मान्यवर गर्मी की बात मत करिए, नौजवानों की भर्ती की बात करिए, उनको रोजगार देने की बात करिए। मीसम जी, आपने जो सवाल उठाए हैं इस पे अश्विनी जी कुछ कहना चाहते हैं, तो अश्विनी जी से पूछ लेते हैं। आप खुद अंतर देख लीजिए किस तरह से ये लहर चल रही है, यादव जी की जोड़ी हमारे भाग्य जो खड़ा गई है और वो कह रहे हैं योगी जी, माननीय योगी जी का बयान बड़े बड़े उन्होंने उनके वही वाणी कर रही है, वाणी से क्या कह रहे हैं, उनके हृदय के अंदर बना हुआ है और वो बात आपकी जबान पर उनकी वाणी पर आ रही है। अगर इस बयान पर इनको दिक्कत है तो इसका मतलब कि ये अपराधियों के संरक्षण दाता हैं और संरक्षण दे रहे हैं, और जयंत चौधरी ने भी जो गर्मी उतारने की बात की वो संरक्षण दे रहे हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात काम कितने संस्कारी है ये तो 2 साल पहले 3 साल पहले दिख चुका है। माननीय नेताजी जिनका पूरा देश सम्मान करता है, उनको किस तरीके से अपमानित मंच पर किया था उन्होंने, वो संस्कार दिखे थे। चाचा इनके हैं, उनको किस तरीके से अपमानित किया था, वो संस्कार दिख गए हैं। आज संस्कार माननीय अखिलेश जी मत दिखावे। हाँ ये जरूर है कि जो अपराधियों की बात माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने की थी कि उनकी गर्मी 10 तारीख के बाद 24 घंटा नहीं लगेगा शांत कर दूंगा, तो अगर ये अब बोलना अपराध है, संस्कार की श्रेणी में नहीं आता है, तो ये इसे संस्कार नहीं चाहिए। हमको गुंडा और अपराधी उत्तर प्रदेश में नहीं चाहिए। किसानों की बात अभी मैंने की, बंद चीनी मिल, इन लोगों ने चीनी मिल बंद करके नीलाम कर दिया था, उसको खोलने का काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। आज एमएसपी पर खरीद उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हुई, किसान नेता भी बोल रहे थे, मैं कह रहा हूँ धान और गेहूं की सबसे ज्यादा खरीद, हमारा रिकॉर्ड टूटा है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि कोई खरीद नहीं हो रही है, एमएसपी का कोई मतलब नहीं है। ये अपने प्रदेश में रहकर अपने प्रदेश में राजनीतिक दल में जाकर ही अगर विरोध करें तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन एक किसान नेता की तरह अगर सरकार का विरोध कर रहे हैं तो ये एक ये द्योतक है कि ये लोग जो है सपा के द्वारा प्रायोजित है इस समय।
इसलिए मैं इसमें कहने की कोई बात नहीं है। ये बात तो खुद किसान नेता राकेश टिकैत ने कही है कि वो किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं किसी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि परेशानियां गिना रहे हैं अपनी, किसान अपनी परेशानियां गिना रहे हैं। शिखा जी, बंगाल गए ये लोग भाजपा हराओ, अभी संयुक्त किसान मोर्चा ने एक कहा कि भाजपा को हराने का हम काम करने जा रहे हैं। इनके 32 जो वो थे संगठन थे उसमें 22 लोगों ने राजनीतिक दल बना लिया जी। कैसे नहीं है राजनीतिक दल वो, आप कहा कैसे करा। राकेश टिकैत को तो इन लोगों ने संयुक्त किसान मोर्चा ने कैलेंडर कह दिया था, राकेश टिकैत को तो हटा दिया आपने, उसमें कमेटी में नहीं रखा, उनकी बात कहाँ कर रही है। लेकिन कोई अश्विनी जी आपको रोकती हूँ और हरिनाम जी से पूछती हूँ, अब यहाँ पे हरिनाम जी, यहाँ पे राजनीति का आरोप लग रहा है आप पे और किसानों पे, क्या कहेंगे? अश्विनी जी, लगता है शायद ये किसान नहीं है, अगर ये किसान होते, हर प्रदेश का हर व्यक्ति किसान है हरनाम भाई। देखिए ऐसा है अश्विनी जी, हमको MSP नहीं मिल रही है, और MSP नहीं मिल रही है तो इस पे हम बात रखेंगे, भले ही आप किसी पार्टी का हमको प्रवक्ता बना दो, हमारे ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश के प्रधानमंत्री और BJP के प्रवक्ता ये कहते थे कि ये बिल नहीं वापस होगा, मोदी ने कह दिया, वो पत्थर की लकीर हो गई। इस देश के प्रधानमंत्री ने बिल भी वापस लिया और माफी भी मांगी। तो देखो अश्विनी जी, अहंकार की भाषा तो भारतीय जनता पार्टी बोले ना, आप ये सोचो कि आपके विधायक गांव को क्यों नहीं जा पा रहे हैं। अगर आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत किसानों की खरीदारी आपने किया है, बहुत कुछ किसानों को दे दिया है, तो आपके विधायक क्यों, हम तो चुनाव लड़ नहीं रहे, लड़ तो चुनाव आप लोग रहे हो। हम किसी पार्टी का ना सपोर्ट करते हैं, हाँ हमने आपको जरूर सत्ता में लाया था, हम आपको सत्ता में लाके हमको लगता हमने गलती किया था जी, इसलिए कि 13 महीने हमको रोड पे बैठना पड़ा, 13 घंटे जिस दिन अश्विनी जी आप बैठ जाओगे ना रात में इस ठंडक में, उस दिन पता चल जाएगा कि किसान का क्या दर्द है। एक रात बैठ के देखो धरने पर इस ठंड में, तब आपको पता चलेगा किसान का दर्द। आप हमको BJP की वो किसी पार्टी का प्रवक्ता बना रहे हो, बना लो जी चुनाव में, और अहंकार अभी भी बता रहा हूं 10 तारीख को आपको पता चल जाएगा। अहंकार अगर आपको नहीं होता तो आप सत्ता से नहीं हटते, ये अहंकार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के बाहर ले जाएगा और सत्ता से बेदखल करेगा इस देश का किसान जी। हरिनाम जी आपको रोकती हूँ यहाँ पे, राजनीतिक विश्लेषक की तरफ चलते हैं। भूपेंद्र जी, जिस तरह से आपने सभी का मत सुन लिया कि क्या कहना है, किसान अपनी परेशानियां गिना रहे हैं, BJP की तरफ से पहली बार नहीं जो किसानों को दूसरी पार्टी का प्रवक्ता बता रहे हैं, जिस तरह से मांग थी MSP के किसानों की पहले से ही, क्या कहेंगे, क्या ये सही है, क्या किसान एक तरफा हो रहे हैं या फिर उनकी मांगे सही है? भूपेंद्र जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो भूपेंद्र जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मीसम जी मैं आपके साथ जुड़ना चाहूंगी, जिस तरह से ये दोनों तरफ की बातें आपने सुन ली, BJP की भी किसानों की भी, और अभी तक BJP का जो मैनिफेस्टो अभी तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन सपा का तो जारी हो गया, इसमें किसानों के लिए कितना ध्यान रखा गया, किसानों के लिए, किसानों के हित में क्या कुछ किया गया है? देखिए शिखा जी, हमारी पार्टी जो है वो नौजवानों और किसानों की ही पार्टी है, मजलूमों की पार्टी है, हमारी पार्टी कमजोरों की पार्टी है। तो हमने तो सबको ध्यान में रख करके मैनिफेस्टो जारी किया है और हम जनता से ये वादा करते हैं कि हम उस पर खड़े उतरेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह जुमलेबाजी नहीं करते हैं, हम जितना करते हैं उतना, जितना कहते हैं उतना करके रहते हैं। और अभी आपने देखा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र जो है वो किसान नेता को दूसरी की पार्टी का प्रवक्ता और उम्मीदवार, इनके में यही बड़ी बुराई है कि जो आदमी भारतीय जनता पार्टी के नीचे उसे कुछ नहीं है, और जो आदमी भारतीय जनता की पार्टी के साथ नहीं है वो देशद्रोही हो जाता है, वो राष्ट्रवादी नहीं रहता है, वो पाकिस्तानी और वो परजीवी और वो आंदोलनजीवी हो जाता है। यही अहंकार जो भारतीय जनता पार्टी का था, बिल्कुल सही कहा हमारे किसान मित्र ने कि वो 10 मार्च के बाद उनको इसका एहसास हो जाएगा, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनको ईश्वर सद्बुद्धि दे और ये वाकई किसानों पर किए गए अत्याचारों के लिए माफी मांगे उनसे, और शायद इनको माफी मिल जाती अगर ये किसानों का
गरीबों का मजलूमों का दर्द समझते, मुझे लगता है कि वो माफी मांगने का भी खाना इनका बंद हो चुका है और वो समय जा चुका है शिखा जी, और अंत उनका होने वाला है। और 10 मार्च को देखिएगा प्रचंड बहुमत से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक बार पूरा उत्तर मैनिफेस्टो में क्या कुछ है सपा के किसानों के लिए? जी हाँ जी, क्या कह रहे हैं शिखा जी? किसानों के लिए मैनिफेस्टो में क्या कुछ दिया है सपा ने? देखिए किसानों के लिए सबसे पहली चीज तो किसानों का जो कर्जा है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के ऊपर, जो बकाया बाकी है जो किसानों का, वो अदा करने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। और जो रही बात एमएसपी के मूल्यों की, उसके लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए, ताकि किसानों को हर चीज बेचने में, जैसे हरियाणा और पंजाब में जहाँ का उस किसान खुशहाल है, और उत्तर प्रदेश को भी उसी खुशहाली की तरफ लेकर के जाएंगे, और यहाँ का भी किसान खुशहाल होगा शिखा जी आने वाले समय में। अश्विनी जी, जिस तरह से आप लगातार पश्चिम में बने हुए हैं, पूरब की तरफ तो लगातार आप विकास गिनाते ही रहते हैं, लेकिन पश्चिम के बारे में जानना चाहेंगे, क्या कुछ विकास किया है पश्चिम में? देखिए शिखा जी, मैं एक बात ये बताना चाहूंगा कि अभी हमारे मीसम भाई और हरनाम जी दोनों यहाँ पर हैं, और मैंने ये नहीं कहा कि ये पार्टी के प्रवक्ता है, मैंने ये कहा कि ये किसी पार्टी के द्वारा प्रायोजित लग रहे हैं, क्योंकि अगर इन लोगों ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक मीटिंग की और हराने की बात की है, और वही लोग, ये लोग चले जा रहे थे वहां, क्या नाम है, पश्चिम बंगाल में गए भारतीय जनता पार्टी को हराने, तो ये अगर किया जा रहा है तो ये इनका राजनीतिक काम है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर वो किसान आंदोलन और किसान नेता है तो सम्मान है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सम्मान किया, लेकिन अगर वो एक किसान राजनीतिक दल की तरह बात करेंगे तो हम भी उनको एक राजनीतिक दल की तरह लेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हरनाम जी भी हैं और मीसम भाई भी हैं, चौधरी चरण सिंह जी जिनकी पार्टी से सपा ने गठबंधन किया है पश्चिम में, बहुत बड़े किसान नेता थे और उनका कोई सानी नहीं है उस हिंदुस्तान की धरती पर, उनका एक एक दो विजन था जी। पहला विजन था हरित क्रांति का, पिछले साल के मीसम भाई की पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में हरित क्रांति का जिक्र किया था, आज एक बार भी कोई भाषण हरित क्रांति पर नहीं देता है, चौधरी चरण, माननीय चौधरी चरण सिंह जी के सपनों पर ऊपर धूल डालने का काम आरएलडी और सपा गठबंधन कर रही है। हरित क्रांति की बात कौन कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, बजट में हमने उसको स्थान दिया है। दूसरी बात आता हूँ, छोटे राज्यों की परिकल्पना थी माननीय चौधरी चरण सिंह जी की, भारतीय जनता पार्टी ने उसको साकार किया, इन लोगों ने इतने दिन तक यूपीए में ये लोग रहे, ये लोग कुछ नहीं किया इन लोगों ने छोटी, और आज माननीय चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, और छोटे दलों के, छोटे राज्यों की कल्पना जो थी वो साकार हम लोगों ने की, हमने झारखंड, छत्तीसगढ़ और वो क्या कहते हैं उत्तराखंड बनाया। तो ये किसानों के लिए समृद्धि, नदियों को जोड़ने की योजना हमने बनाई अभी इसी बजट में है, 5 नदी जोड़े जा रहे हैं। हरिनाम जी, योजना बताई जा रही है बीजेपी ने, अभी योजना बताई है, आपके इससे संतुष्ट हैं जो ये काम करेगा है किसानों के लिए, फिर नाखुश क्यों है? क्यों ऐसी बातें सामने आ रही है कि किसान नाखुश नजर आ रहे हैं बीजेपी से, जबकि इतने काम गिनाए जा रहे बीजेपी की तरफ से? अब हमको बीजेपी की पाठशाला में तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, और अगर इस देश में कोई झूठ बोलने की पाठशाला है तो जो बीजेपी की तरफ से काम गिनाए गए हैं, क्या वो काम नहीं किए गए हैं? बता तो रहे, अगर झूठ बोलने की कोई पाठशाला है इस देश में तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी है, हम इसे क्या कह सकते हैं? अभी तो सारे काम गिनाए गए हैं, अश्विनी जी ने बताया है कि बंद चीनी मिल शुरू करी है, रही भावना जैसी। हाँ नहीं, भावना तो हमारी बहुत बढ़िया थी, हमने आपको सत्ता में लाया, लेकिन आप अहंकार में चूर हो गए। तो अहंकार, इस देश का किसान किसी का भी अहंकार दूर कर देगा, और जब 13 महीने भारतीय जनता पार्टी आंदोलन चलाएगी ना, उस दिन पता लगेगा। 750 किसान मर गए, एक शब्द प्रधानमंत्री नहीं बोले, और अडानी के अगर घर में कोई चिड़िया पैदा हो जाएगी तो उसके लिए चिट्ठी लिख के भेज देंगे, मतलब क्या हमदर्दी है? क्रांति पर भी थोड़ा सा है, हरित क्रांति पर भी थोड़ा सा नहीं, हरित क्रांति वो भारतीय जनता पार्टी ने, हम किसान करते हैं, हमको पता है हम शुद्ध किसान हैं, और पता कर लेना पूरी भारतीय जनता पार्टी,
मैं ही वो किसान हूं। हमने कहा था कोरोना में किस देश में भूख से एक आदमी नहीं मरेगा। आप राशन बांटने की बात करते हो, कहां से आता है राशन? वो हमारा राशन है। आप कहते हो एमएसपी दे रहे हमें, कोई दान कर रहे हो? अरे एमएसपी अगर इस देश के किसान को आप दे दो तो यहां पर एक चिड़िया एक पंछी भूख से नहीं मरेगा। लेकिन हमको एमएसपी नहीं मिलती है। 5.5 साल में डीजल के रेट कहां चले गए? 5 साल में आपने गन्ने के रेट कितने बढ़ाए? बिजली की दरें कितनी बढ़ाई? आप कहते हो हमने गन्ने का भुगतान कर दिया। आप तो यह भी कहते थे कि 14 दिन में जो गन्ना किसान गन्ना देगा वो 14 दिन में भुगतान होगा। हो गया भाई, मिले हैं अरनाम भाई, जहाँ पर नगद भुगतान भी मिल रहा है। जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से इस वक्त हर जगह जयंत चौधरी अखिलेश के साथ नजर आ रहे हैं चुनाव प्रचार करते हुए, और जिस तरह से दावे वादे कर रहे हैं सरकार में निशाना साध रहे, किस तरह देखते हैं जो ये गठबंधन हुआ है, कितना सफल साबित होगा? मुझसे पूछ रहे शिखा जी आप? हेलो जी मीसम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, हाँ जी शिखा जी, मैं सुन पा रहा हूँ। देखिए ये गठबंधन जो हुआ है ये किसानों को ही मद्देनजर देख करके और उनकी बांगों को और उनकी परेशानी और किसानों की बदहाल स्थिति को देखते ही हुआ है। और पश्चिम में आपने देखा जिस तरह से रात के 2 बजे तक मान्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखने और सुनने के लिए, जयंत जी को देखने और सुनने के लिए जिस तरह से सैलाब उमड़ रहा है और जो आंधी उमड़ रही है पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर देख करके, उससे दुश्मनों के सीने लड़ रहे, दिल टहल रहा है उनका, और उनकी आत्मा ये जान चुकी है कि ये आंधी जो तूफान है ये बन करके एक मजलूमों का और एक किसानों के रूप में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो चल रही है आंधी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के तमाम पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, वो आंधी झूठों और मक्कारों और उनके द्वारा किए गए जुमले वादों को बहा करके ले जाएगी। और रही बात जो मैं आपको मैं बताता चलूं कि जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े शीर्ष नेता जब कोई वादा या कोई बात करने चलते हैं तो वाकई बात है कि एक बार समझना पड़ता है कि ये वादा कर रहे हैं, जुमला कर रहे हैं, या वाकई ये किसानों को, मजदूरों को, आम इंसानों को, प्रदेश की जनता को कुछ पहुंचाने के लिए या कुछ उनकी मदद करने का इंतजाम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार उत्तर प्रदेश की स्थिति 5 सालों के अंदर इतनी दयनीय हो चुकी है, इतनी बद से बदतर हो चुकी है कि आप यकीन जानिए कि नौजवान और किसान और महिलाएं घर से, ये जो महिलाओं की बात करते थे आप, देखिए कि महिलाओं का अपराध का स्तर कितना बढ़ चुका है हर क्षेत्र में, हर जगह पर ये सरकार शिखा जी विफल हो चुकी है। और आप देखिएगा आने वाले समय में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और जो हमने संकल्प पत्र में वादा किया उसको पूरा करेंगे और बेहतर करेंगे। हमने मेट्रो का वादा किया था और इन्होंने हमारे ही मेट्रो के वादे को अपने ही नाम से फीता काट करके तमाम उन जगहों को अपने सर से राज बांधने का काम किया है और बुलेट ट्रेन देने का जो वादा किया था प्रदेश की जनता से, और उसी बहकावे में प्रदेश की जनता आ गई और उस बहकावे के बाद वादा इन्होंने किया था। और देखिए रूपिका जी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश के अंदर स्वयं बुलेट ट्रेन देने का कार्य करेंगे और ये वादा उनका था, जुमला पूरा हम लोग करेंगे। रोजगार देने का जुमला उनका था, रोजगार दे करके हम लोग उस संकल्प को पूरा करेंगे। रूपिका जी, अश्विनी जी, पूरब देखे, पश्चिम देखे या मध्य उत्तर प्रदेश देखे, सब जगह जहां जहां पे रथ यात्रा जा रही है अखिलेश यादव की, काफी भीड़ देखने को मिल रही है, तो क्या लगता है उनके साथ समर्थन जा रहा है? क्या इससे कोई झटका लग सकता है बीजेपी को या फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? विकास जो आपने किए हैं उसके बलबूते सरकार दोहराई जा सकती है? शिखा जी देखिए, राजनीतिक सभाओं की भीड़ को वोटों में तब्दील होना नहीं माना जाता है, ये बहुत पुरानी चीज है जी। ये जो है सभी राजनेताओं के साथ भीड़ होती है और वो वोटों में तब्दील हो जाए तो फिर कोई एक ही दल राज करे, दूसरा दल सत्ता में ना आ पाएगा जी। दूसरा, अभी हमारे मीसम भाई ने बहुत योजनाएं और उन सब बताया, इनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ मायावती जी के द्वारा बनाए गए यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया था? इन्हीं के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया था। क्यों किया था भाई? और हम अगर सोच लें कि चांद पर हम घर बनाएंगे और चुपचाप बैठे रहे यहाँ, तो घर बनाने से थोड़े हो जाएगा सोचने से। आजमगढ़ उनका क्षेत्र है, 36 घंटे आजमगढ़ लोकसभा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके नहीं गए हैं, 36 घंटे पूरा नहीं गए हैं वहाँ। उसके बाद वो बात करते कोरोना में अपने घर में रहे, आज इतना कामों का ढढोरा अभी हमारे मीसम भाई पीट रहे थे कि उन्होंने बुलेट ट्रेन चला देंगे वो,
अरे भाई जो बुलेट ट्रेन चलने जा रही है उसको तो आप लोग पचा नहीं पा रहे हैं, अब बुलेट ट्रेन चला देंगे। कौन सा काम किया आपने बताइए जरा, आपको मेट्रो एक स्टेशन तक चलाइए, रुक जाइए, मेट्रो एक स्टेशन तक चला के ये लोग उद्घाटन करके भाग गए, उसको भी पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जो काम इनको देखिए वो काम इनका आधा अधूरा छोड़कर चले गए। हाँ ये जरूर किया कि गुंडागर्दी चरम पर छोड़कर ये लोग गए थे, जिसको समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है, और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने का काम, जो जिनको ये संरक्षण देते थे उन अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाने का काम जरूर हमारी सरकार ने किया है, और 10 तारीख के बाद फिर से बुलडोजर चलना शुरू हो जाएंगे। मीसम जी सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि आधे अधूरे काम किए गए थे, क्या कहेंगे? अपराधियों को संरक्षण देने की बात कही गई है। देखिए ऐसा है कि आरोप और प्रत्यारोप लगाते रहना एक दूसरी पार्टियों का काम होता है, अगर ये कोई आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं तो इनका ये संवैधानिक और इनकी पार्टी के द्वारा इनका अधिकार है कि ये आरोप हमारे ऊपर लगाएं जी। मगर आरोप और प्रत्यारोप लगा देने से किसी के कोई आदमी मुंजिम नहीं हो जाता है, और ये तो तय जनता करती है, जनता ने देखा है कि राष्ट्रीय दिल्ली ने कितना कार्य किया है और कितने एक्सप्रेस वे बनवाए हैं, आगरा एक्सप्रेस वे से लेकर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से लेकर के उन्होंने कितने एक्सप्रेस वे का निर्माण किया है और कितनी बिल्डिंगें बनाई हैं और कितना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बना दिया उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर, जिससे उत्तर प्रदेश और लखनऊ का मान बढ़ गया, जिसका इन्होंने नाम बदलने का काम किया। इन्होंने तो सिर्फ नाम बदला है शिखा जी, अब कितनी बातों का इनके जिक्र किया जाए, कहां कहां तक किया जाए, अब हम इन पर आरोप लगाए और ये हमारे ऊपर आरोप लगाए, जनता देख रही है, इसका फैसला जनता करेगी और जनता की अदालत से बड़ी किसी की अदालत नहीं होती है लोकतंत्र के अंदर। और जब इन्होंने अपराधियों की बात करी कि समाजवादी पार्टी में इनको सब के सब अपराधी दिखते हैं, तो जरा मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि योगी जी ने जो अपना एफिडेविट दाखिल किया है चुनाव आयोग को, आप बताइए सबसे ज्यादा मुकदमे तो बाबा योगी आदित्यनाथ के ऊपर है, और उसके बाद भी उस शरण पे टूट जाने की बात होती है कि जब कोई अपना मुकदमा स्वयं वापस ले ले। शिखा जी अपराधियों की ये बात कर रहे हैं, जाते जाते ही कई अपराधी जो है वो ओवैसी की गाड़ी पर गोली चलाते हुए जाते हैं, तब तो समाजवादी पार्टी के गुंडे वहां नहीं थे, तब तो सरकार नहीं है समाजवादी पार्टी की, तो ये बताइए जो अपराध हो रहा है ये समाजवादी कर रही है? आप बताइए कि हम समाजवादियों पर हमेशा ये अपराध लगता रहता है कि हम अपराधी हैं, तो ये बताइए कि जो वहां पर इनके नेता क्रिकेट खेलते हुए पकड़े गए थे, माननीय धनंजय सिंह जिनका नाम है और वो डॉन है पूर्वांचल के जौनपुर के, ये बताइए कि अब तक सरकार उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई, मैं पूछना चाहता हूँ कि वो कितने दूध के दूल्हे हैं, उनके बारे में इनके पास कोई जवाब है? और ये बता सकते हैं कि एक पक्ष के इनके अंदर बड़े बड़े माफिया जो MLC बने बैठे हैं पूर्वांचल के, क्या वो दूध के दूल्हे हैं? जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ जाता है इनके लिए वो दूध का दूल्हा होता है। दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं, वो चाहे बीजेपी हो या फिर सपा हो। हरिनाम जी जिस तरह से आपने बीजेपी की सरकार बना के देख लिया और सभी पार्टी दावा करती है जी, मीसम जी मैं आपको रोकना चाहूंगी, हरिनाम जी दोनों पार्टियों को आप देख रहे हैं और बाकी भी अन्य पार्टियां भी हैं, तो इस बार आप कैसी सरकार बनाएंगे? क्योंकि अहम इस बार सबसे ज्यादा महत्व रखता है किसानों का वोट, तो इस बार क्या होने जा रहा है? देखिए ऐसा है कि एक बात आप मुझको इसका जवाब दे दीजिए कि अगर समाजवादी पार्टी के अंदर अपराध बहुत बढ़ गया था और अपराधी बहुत ज्यादा थे, तो 5 सालों के अंदर आपने 750 किसान मार डाले, आप बताइए इसका जिम्मेदार कौन होगा? 750 किसान मार डाले और आपके किसी भी नेता ने उस पर हमदर्दी ना जताकर, और हर जगह जो इनके प्रधानमंत्री रोने का काम करते थे, इनको मीसम जी मैं रोकना चाहूंगी आपको, हरिनाम जी बीजेपी की सरकार आपने पूर्ण बहुमत से बनाई, अभी आपने कहा इस बार जिस तरह से किसानों का मत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और जितने दावे वादे अब सपा की तरफ से भी की जा रहे हैं और बीजेपी की तरफ से जितने भी काम गिनाए गए, इन सबको देखते हुए इस बार जो सरकार बनेगी तो किन मुद्दों को लेकर बनेगी, क्या कुछ चाहती है किसान कि इस बार क्या कुछ होना चाहिए, विकास के मुद्दों को लेकर हो या फिर किसानों के लिए हो, किन चीजों को देख के इस बार सरकार बनेगी? शिखा जी देखिए किसान ने अपना मन बना लिया है किसको बनाना है, अब हमको कुछ कहना नहीं है। 13 महीने रोड पे रह के MSP नहीं मिल रही है, गन्ने के रेट बढ़ाए नहीं, 25 रुपया 5 साल में बढ़ाए जी। ये कहते साढ़े हमारी सरकार आएगी 450 देंगे, इन्होंने किसानों को इनाम में पशु दे दिया जी। रात भर जानवर बचाओ, DAP के रेट कहाँ चले गए, ये सब चीजें करने के बाद में जी। किसान को जहां वोट देना होगा दे देगा जी, बिल्कुल।
मन बना लिया, जिसको जहां देना है दे देगा, हमको किसी से कहना नहीं। जिस किसान ने 13 महीने, जिस व्यक्ति ने 13 महीने सड़क पे बैठ के, किसान ने इस देश के लोगों की आवाज को उठाया, वो किसान, व्यापारी, मजदूर, वो सब अपना मन बना चुका है किसको वोट देना है, किसकी सरकार आना है। जी बिल्कुल, हमसे मत कहलाओ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ वीकेंड चर्चा में जुड़ने के लिए सभी मेहमानों का। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भूपेंद्र तिवारी जी जुड़े थे, भाकियू से हरिनाम वर्मा जी जुड़े थे, बीजेपी से अश्विनी शाही जी जुड़े थे और सपा से मीसम जैदी जी जुड़े थे। तो सभी ने अपना अपना मत रखा। किसान इस बार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इस चुनाव में, तो इसलिए इस बार का चुनाव काफी अहम है। फिलहाल इस वीकेंड चर्चा में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।